नमस्कार दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी रेलवे की कट ऑफ को लेकर अब तक का सबसे बड़ा सर्वे और सबसे ऑफिशियल डाटा आ चुका है दोस्तों। इस वीडियो में आपको कट ऑफ की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। हर जोन की कट ऑफ आपको यहां पर बताई जाएगी। टोटल जो 16 जोन है उनकी सभी की जो कट ऑफ है वो आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहते हो तो आपको ऐसी बेहद ही खास जानकारी देखने को मिलेगी। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखें और उसके बाद अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में जानकारी सच्ची लगे तो इस वीडियो को लाइक करके जाएं। चैनल को सब्सक्राइब भले ही ना करें लेकिन वीडियो को लाइक करे बिना ना जाएं, क्योंकि एक लाइक आपको भी मोटिवेट करता है और हमें भी मोटिवेट करता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है एक लाइक करके जाएं और वीडियो को, अगर चैनल को आपको वीडियो में कुछ भी सच्चाई लगे तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। चलिए हम कट ऑफ को लेकर बात कर लेते हैं। सभी जोन के कट ऑफ हम एक एक करके विस्तार से देखेंगे और जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि खुद बोर्ड ने भी ये मान लिया है कि इसकी जो कट ऑफ इस बार 50 से ज़्यादा नहीं जाएगी किसी भी हाल में, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आरआरसी ग्रुप डी की कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। जिनके भी 35 प्लस नंबर बन रहे हैं वो सभी इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें ताकि आपको भी एक संतुष्टि मिले कि हाँ हमारा भी हो सकता है और हमें पीईटी की तैयारी करनी चाहिए। अगर आप अभी भी पीईटी की तैयारी शुरू नहीं कर रहे हैं, जिनके 35 प्लस बन रहे हैं, वो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि इस बार की जो वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग आपका 30 वालों का भी कुछ भी नहीं कह सकते, किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है। इसलिए जिनके भी 30 प्लस 35 प्लस बन रहे हैं वो पीटी की तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए अब हम कट ऑफ को लेकर बात कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम आरआरसी ग्रुप डी की कट ऑफ ऑल जोन, सभी जोन के कट ऑफ यहाँ पर चेन्नई, मुंबई, सिकंदराबाद, बिलासपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, जयपुर, हुबली, जबलपुर, न्यू दिल्ली, कोलकाता, हाजीपुर और गुवाहाटी, इन सभी की कट ऑफ को लेकर यहाँ पर संपूर्ण चर्चा करेंगे। दोस्तों ऑफिशियल जानकारी, बिल्कुल ऑफिशियल और सटीक जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी और शायद आपने YouTube पर इस प्रकार का वीडियो अभी तक नहीं देखा होगा। बहुत ही शानदार जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें और अगर वीडियो के बीच में आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक जरूर कर दें। चलिए शुरू कर लेते हैं कट ऑफ को लेकर। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं हुबली की, आरआरसी साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली। यहाँ पर जो कट ऑफ लिखी हुई है आपको मैं बता दूँ जो 55 से 60 के बीच है, ये नहीं माननी है आपको, मैं बता रहा हूँ वो आपको कन्फर्म करना है। अगर आप यूआर से हो और हुबली से आपने अगर एग्ज़ाम दिया है तो आपको 53 प्लस यूआर में आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, 53 से 55 के बीच। ओबीसी में आपके यूआर से चार नंबर कम करनी है, यूआर से चार नंबर कम 49 से 53 के बीच ओबीसी की रहेगी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 55 से यहाँ पे जो लिखा हुआ है उससे आपको ओबीसी से चार नंबर कम मानना है और यहाँ पर आपको बता दूँ 45 से 50 के बीच ईडब्ल्यूएस हुबली की, ईडब्ल्यूएस की। एससी एसटी में आपको बता दूँ कि 47 से और एसटी की यहाँ पर आपके 45 से, यहाँ से इसके बीच में आपको मानना है और ये हुबली की कट ऑफ रहेगी। और नेक्स्ट देखिए आप साउथर्न रेलवे चेन्नई, चेन्नई में आपको यहाँ पर बता दूँ 55 से 60 के आसपास, 60 जो पिछला डेटा है वो आपको बिल्कुल नहीं मानना है, 55 प्लस 60 तक किसी भी हाल में किसी भी सूरत में नहीं जाएगी चेन्नई की। और ओबीसी में आपको मैं बता दूँ 50 प्लस, ईडब्ल्यूएस में अगर आप हो तो 48, अगर आप एससी एसटी तो एससी और एसटी से हो तो 45, एससी एसटी में 45 और एसटी में 45 और ईडब्ल्यूएस में मैंने आपको बता दिया 47। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको बता दूं आरआरसी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, यूआर की बिल्कुल रॉन्ग है आपको मैं बता दूं 58 प्लस, ओबीसी में 53 प्लस, पाँच नंबर किसी भी हाल में डिफरेंस रहेगा यूआर और ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस में आपके 50 प्लस, ये मैं गोरखपुर की बता रहा हूँ, एससी और एसटी की आपको 48 प्लस। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि अगर हम ज़्यादा विस्तार से बात करेंगे तो वीडियो कम से कम आधे घंटे का बन जाएगा और ज़्यादा टाइम किसी के पास आजकल है नहीं, इसलिए छोटा वीडियो बना रहा हूँ। आरआरसी वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर में बात करें तो यहाँ पर ये 60 से 65 लिखा है, ये बिल्कुल गलत है आपको मैं बता दूँ, 55 प्लस जबलपुर में यूआर की, ओबीसी की आपको 50 प्लस, ईडब्ल्यूएस की 48 प्लस। आप लिखते जाएं साथ में, अगर आपने जबलपुर से एग्ज़ाम दिया है तो आपके नंबर जरूर कमेंट करें और रो मार्क्स कितने बन रहे हैं वो भी कमेंट करें। एससी और एसटी की बात करें तो एसटी में, एससी एसटी में आपको 47 प्लस, ये हो गई जबलपुर की। आगे देखिए भुवनेश्वर की, भुवनेश्वर में आरआरसी ईस्ट कोस्ट रेलवे यूआर की बात करें तो यहाँ पर यूआर में आपको बता दूं अगर आपके नंबर 53 प्लस बन रहे हैं तो श्योर हो जाएगा, ओबीसी में आपके 48 प्लस बन रहे हैं तो हो जाएगा, कहाँ पे, भुवनेश्वर में। यहाँ पे दोस्तों काफ़ी जो है अटेंडेंस जो थी वो काफ़ी कम रही थी, इस कारण इसकी जो कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, बहुत ही कम रहेगी। नेक्स्ट है आरआरसी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, कोलकाता की बात करें तो यूआर में यहाँ पर जो लिखी है वो आपको नहीं काउंट करना है, मैं जो बता रहा हूँ वो आपको काउंट करना है, 56 प्लस यूआर की यहाँ पर कोलकाता में
यूआर की 56, ओबीसी की 52, ईडब्ल्यूएस की 48 या 49, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 49, एससी और एसटी की आपको 45 मानना है। एसएसटी की तो 45 से 47 के बीच रहेगी, चाहे कोई भी जोन हो, कोई भी फेज हो। आरआरसी साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, आपको यहाँ पर 60 से 70 लिखा है। ये जो कट ऑफ लिखी हुई है वो 2018 की है, उसके आधार पर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि 2018 में और 22 में कितना डिफरेंस रहेगा। यहाँ पे देखिए, आप यूआर से हो, अगर आप यूआर में हैं और कोलकाता से हो तो 55 प्लस यूआर की, ओबीसी की 50 प्लस, ईडब्ल्यूएस की 55 लिखा है, लेकिन ईडब्ल्यूएस की ओबीसी से कम रहेगी तो 47। नेक्स्ट देखिए आप बिलासपुर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर 63 लिखा है, लेकिन इतने किसी भी हाल में नहीं जाएगी। 57 प्लस बिलासपुर की, यहाँ पर अटेंडेंस थोड़ी अच्छी थी, इस कारण इसकी कट ऑफ बढ़ गई है, पेपर का लेवल इजी था। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर आपको बता दूँ 54 प्लस, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर आपको बता दूँ 50 प्लस, ये हैं बिलासपुर की। नेक्स्ट देखिए आप कोलकाता, कोलकाता में बात करें तो यहाँ पर आपको बता दूँ 58 प्लस, ओबीसी में 54 प्लस, ईडब्ल्यूएस में 50 प्लस, और ये मैंने आपको बता दिया 45 से 47 के बीच एसएसटी की रहेगी, चाहे कोई भी जोन हो। नेक्स्ट है आरआरसी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे अलाहाबाद, अलाहाबाद की बात करें तो यूआर की रहेगी 64, 57 प्लस, ओबीसी की 54 प्लस और ईडब्ल्यूएस की 50 प्लस। नेक्स्ट देखिए, फटाफट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन सकता है। आरआरसी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, यहाँ पर ये आपको नहीं काउंट करना है जयपुर वाली। अब देखिए आरआरसी मुंबई यूआर 57, अगर आपकी आपने मुंबई से आरआरसी में एग्जाम दिया है तो यूआर की 57, ओबीसी की 53। आरआरसी एनएफआर गुवाहाटी में अगर आपने एग्जाम दिया है, यूआर की 50, ओबीसी की 47, बाकी के आप तीन तीन नंबर कम कर लेना, बाकी अदर कैटेगरी की यहाँ पर आपको तीन तीन नंबर कम करना है। आरआरसी एनडब्ल्यूआर जयपुर की जो ऊपर बताई वो आपको काउंट नहीं करनी है, ये मानना है आपको यूआर 52, ओबीसी 47, अदर कैटेगरी में आपको तीन तीन नंबर कम करने हैं। अगर आपने आरआरसी एनडब्ल्यूआर जयपुर से एग्जाम दिया है तो यूआर की 52, ओबीसी की 48, अदर कैटेगरी में आपको तीन तीन नंबर कम करने हैं। नेक्स्ट देखिए आप आरआरसी सिकंदराबाद में यूआर की 53, ओबीसी की 50, ईडब्ल्यूएस 48, एससी 46, एसटी 45, इससे ज़्यादा किसी भी हाल में नहीं जाएगी। जो यहाँ सटीक जो ऑफिशियल डेटा है वही मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो इस वीडियो को अगर आपको वीडियो में अच्छा कुछ लग रहा है तो इसको लाइक करके ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आरआरसी इस यार हाजीपुर में यूआर की 55, ओबीसी 51, ईडब्ल्यूएस 47, एससी 42 और एसटी 40। नेक्स्ट देखिए आप आरआरसी भुवनेश्वर यूआर 56, ओबीसी 52, अगर इससे कम नंबर है, एक दो नंबर कम भी है, तो भी आप पीएटी की तैयारी शुरू कर दीजिए दोस्तों। किसी भी हाल में जो यहाँ कट ऑफ आपको बताई गई है, इससे ज़्यादा किसी भी हाल में कट ऑफ नहीं जाने वाली है, और नहीं जाने का कारण आपको पिछले 3-4 वीडियो में बताया गया है। लगातार मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि जितने भी कारण हमको देखने थे, हमने सारे कारण सारे रीज़न देख लिए, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको जोन वाइज हर जोन के कट ऑफ इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि जितने भी कम कट ऑफ के कारण थे वो हमने आज तक देख लिए हैं, जिसमें 5-6 वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज़रूर देखें। जितने भी जो रीज़न थे कि कट ऑफ क्यों कम जाएगी, वो सारे रीज़न आपको यहाँ पर बता दिए गए हैं, आप ज़रूर वो वीडियो जाकर देखें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा की सभी जोन के कट ऑफ मैंने आपको बता दी, चेन्नई है, मुंबई है, सिकंदराबाद, चाहे कोई भी जोन हो दोस्तों, अगर आपके नंबर 40 से 45 के बीच बन रहे हैं, तो चाहे कोई सा भी जोन हो, कोई सी भी कैटेगरी हो, आप अपनी पीटी की तैयारी को शानदार अच्छे तरीके से शुरू कर दीजिए। किसी भी हाल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इस बार जो रेलवे में एक इतिहास रचा जाने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस बार अगर एनटीपीसी अपना रिजल्ट आरआरसी ग्रुप डी के पीटी से पहले जारी कर देता है, तो किसी भी हाल में रेलवे की जो कट ऑफ है वो 50 से ऊपर एक नंबर भी नहीं बढ़ेगी। और अगर एनटीपीसी इधर उधर हो जाता है एनटीपीसी का रिजल्ट, तो फिर उसका 3-4 नंबर का डिफरेंस देखने को मिल सकता है, वो भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि कट ऑफ तो किसी भी हाल में कम ही रहेगी 2022 की। लेकिन अगर एनटीपीसी वाला मामला हो जाता है तो आपकी जो कट ऑफ है वो 50 के अंदर 45 से 48 के बीच आपकी कट ऑफ किसी भी हाल में आ जाएगी 2022 की। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ कि 3 गुना का सिलेक्शन पहली बार में किया जाएगा। अब 3 गुना में तो आप समझ सकते हैं कि आपके कितने नंबर हो तो आगे जा सकते हैं। आप खुद पढ़े लिखे हैं, आपको पता होगा 3 गुना मतलब 3 लाख के लगभग स्टूडेंट को बुलाया जाएगा
ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम माने टॉपर्स तो 9000 है, 9000 आप टॉपर्स मान लीजिए इसमें जिनके 70+ आ रहे हैं, बाकी ऐसा कोई नहीं है। 9000 से ज़्यादा आपको एक भी स्टूडेंट, मैक्सिमम से मैक्सिमम 9000 स्टूडेंट मिलेंगे आपको जिनके जो टॉपर्स में हैं और 70+ नंबर ला रहे हैं, क्योंकि 9000 की संख्या कोई कम चीज़ नहीं है। पीछे बचे 3 लाख, एवरेज कट ऑफ हमेशा जो बल्क में स्टूडेंट होते हैं वहीं पर रहती है। और आपको मैंने बता दिया कि 45 से लेकर 48 के बीच जितने भी स्टूडेंट के नंबर बन रहे हैं आप अपनी पीटी की तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं तो 30 वालों को भी बोल रहा हूँ कि आपको पीछे नहीं रहना है, आप तैयारी शुरू कर दीजिए पीटी की, क्योंकि इस बार रेलवे में कुछ नया होने वाला है और कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपको कमेंट करने की भी आवश्यकता नहीं है, आप अपनी पीटी की तैयारी शुरू कर दो, किसी को कुछ नहीं पूछना है। रेलवे में इस बार कुछ भी हो सकता है। इस वीडियो को अगर आपको वीडियो की कुछ भी सच्चाई लगी हो तो इसको ज़रूर शेयर करें मित्रों के साथ और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।